नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासन के निर्णय, बाजार बंद करने के विरोध में इतवारी में व्यापारियों का प्रदर्शन। घातक हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार, अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। प्रशासन के निर्णय, बाजार बंद करने के विरोध में इतवारी में व्यापारियों का प्रदर्शन। नागपुर महाराष्ट्र में और खासकर नागपुर शहर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने से 5 अप्रैल सोमवार की रात 8 बजे से शहर में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है, जिसके बाद अब फिर एक बार जीवनावश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल्स और बाजार बंद रहने वाले हैं। इसके विरोध में इतवारी के व्यापारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर पाबंदियों पर रोक लगाने की मांग की है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से भी लगातार दुकानों को लेकर पाबंदियों का विरोध किया जा रहा है। शहर में एक बार फिर व्यापार ठप होने और हजारों लोगों पर रोजगार का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को दोपहर में बरडी, सीताबर्डी समेत कई बाजार बंद दिखाई दिए। दुकानों को बंद रखने की वजह से दुकानदार और व्यापारियों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। तो वही दूसरी ओर घातक हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार। नागपुर यशोधरा नगर पुलिस ने आरोपी प्रकाश गुप्ता को घातक हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार हवलदार मनीष भोसले ने मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 पर मिली गुप्त सूचना पर पुलिस दस्ते ने आरोपी प्रकाश गुप्ता को घातक हथियार के साथ धर दबोचा। धारा 4-25 व सह धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र भार्गव, हवलदार मनीष भोसले, पुलिस नायब शोएब शेख, राजकुमार पाल, प्रसन्नजीत जांबुलकर ने कार्रवाई की है। तो वही तीसरे और अवैध शराब के साथ तीन गिरफ्तार। लॉकडाउन में शराब बंदी है, बावजूद अवैध रूप से शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। नंदनवन पुलिस ने 3 अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम मोहम्मद जावेद, मोहम्मद दाऊद, हसन बाग, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद असलम पटेल, ठाकुर प्लॉट बड़ा ताज बाग सक्करदरा निवासी और रवि टेकाम सुरेंद्रगढ़ निवासी है। आरोपियों से 40,000 की देसी शराब व ऑटो सहित करीब 2,00,000 का माल जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना पर नंदनवन थाने के हवलदार संदीप गुंडलवार ने सोमवार को मोहम्मद जावेद और मोहम्मद अकरम को 3-सीटर ऑटो में शराब ले जाते पकड़ा। 33,000 की 13 बॉक्स देसी शराब और 1,50,000 का ऑटो, इस प्रकार करीब 1,83,000 का माल जब्त किया गया है। दोनों आरोपी शराब शमशेर अली हसन बाग निवासी को देने जा रहे थे। गिट्टी खदान पुलिस दस्ते ने रवि टेकाम के घर पर मंगलवार को छापा मारकर 8,000 रुपए की 268 बोतलें देसी शराब जब्त की। रवि टेकाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इस YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।